नमस्कार, मैं हुसनैर शर्मा और आप देख रहे हैं VOM न्यूज 24/7। जिला डोडा के ब्लॉक असर की पंचायत शमठी में अलशी किलमिल सड़क के मामले पर आज काफी गहमा गहमी देखने को मिली। इस सड़क का सर्वे पहले भी हो चुका था, जिस पर कुछ स्थानीय लोगों ने एतराज उठाया था। इस सब मामले पर आज RNB डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उपस्थित थे। VOM न्यूज 24/7 से बात करते हुए लोगों ने जिला प्रशासन से इस सड़क को मुकम्मल करने की गुजारिश की। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.vomnewsin पर विजिट करें। आप एज बताइए पहले। सर मेरा है इसमें 8 साल एज और बाकी है ए सब आए और ठेकेदार सब मीडिया वाले भी आए हैं और सही से सही फैसला हुआ है ना। इधर किसी का गरीबों का मकान भी बन गया, काम सब भी बन गए, वो भी बचा लिया और बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोग और यहाँ पे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे इस मगर ये है लोगों के कानून से कौवे उड़ा रहे हैं कि किसी की जमीन जाए, किसी का मकान जाए। वही के लोगों का मकसद है कि किसी के कंधे से कौवे उड़ा रहे हैं, मगर उनको एक इंच भी नहीं जाना पाए। ये मुफाद के लिए सबके लिए है, रोड तो सबके लिए है, बेनिफिट सबके लिए है, बेनिफिट से जाने न। लिहाजा मेहरबानी करके फैसला अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा बात है, गरीब भी बचेंगे, सारे बचेंगे। अगर किसी का एक एक इंच जा भी गया, जो भी एक इंच गया है, बोले बहुत अच्छा, ये सब ने बहुत अच्छा किया है। जैसे लोगों को लेके तो मोस्ट वेलकम, जैसे सर्वे है आप लाइव लेवलिंग करो पहले, उसके बाद तब तक नीचे वाले को ठीक करो। और किसे नहीं मान लगी तो जो आप बोलते हैं नीचे करे उतरा उतरा इसका कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन मिले से ऊपर के ना सर। और किसे क्या मतलब, पहले का सर्वे जो था ना, यहाँ पे सर कुछ मकान आ रहे थे, 4-5 मकान आ रहे थे बीच में, तो उनको एक ही पहले मतलब रोड था बीच में से, अब उनके मकानों के आगे 3 मोड़ आ गए, तो समझे कि वो मकान भी मतलब वो डिसमेंटल हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे किसी भी टाइम में। अब बरादरी ने, पूरी बरादरी ने एक मशवरा किया कि मकान ये रोड जो है ये मकानों के ऊपर से आ जाए और आगे आराम के साथ मतलब पहुंच जाता है पुराने सर्वे पे। थोड़ा सा यहाँ पे इशू है मकान, ये रोड कहाँ से कहाँ तक है, ये रोड जो है ये अलसी टू किलमिल वाया लवर शिखपाल है, बिल्कुल पूरी की तरह लवर शिखपाल वाया लवर शिखपाल। क्या उन्होंने भी कहा कि पब्लिक की मर्जी से ये जो इधर से ये इशू जो है पब्लिक की मर्जी से ये वेल्ड है और इस पे हम काम करेंगे, यही होगा। तो आगे सर फिर होगा अमल इस पे कि नहीं, हम भी देखते रहेंगे, नहीं होगा तो फिर हम और मतलब एक जांच करेंगे इसके बारे में। ऊपर भी मकान ये भी बचने चाहिए, नीचे भी और बीच में से आराम से निकल जाती है, बीच में से कोई इशू नहीं है। और आपकी चैनल से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस न्यूज को यही मतलब मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो मकान है, जैसे इस वक्त ये सर्वे हुआ, ये सर्वे नहीं मतलब ये दिखाया गया हमको, हमने डिपार्टमेंट को दिखाया कि ऐसे होना चाहिए और डिपार्टमेंट भी मान गया, EEE ने जे साहब सुपरवाइजर साहब सब मान गए कि हम ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही होना चाहिए। पूरा डिपार्टमेंट आया हुआ था, लोग आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या डिस्प्यूट है? शुक्रिया सर आपके चैनल का। सर ये रोड का इशू चल रहा था सर, जिसमें कुछ कब्रिस्तान है और बीच में कुछ घर आते हैं सर, इसलिए हमारे जो EEE साहब थे वो यहाँ पे आए हुए थे, सर अब देखा है उनने और आप क्या समझौता करते हैं देख लेंगे। साथ में सर हमारा एक बूढ़ी गाँव है सर, उसमें कम से कम 50 घर हैं, तो उसके लिए सर हमने EEE साहब को रिक्वेस्ट किया कि उस गांव को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो पीछे की उन्होंने माना था और उस टाइम कुछ और नहीं क्या हुआ डिपार्टमेंट को जाने सही है सर। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि कब्रिस्तान को अवॉइड कर रहे हैं, हमें EEE साहब की डायरेक्शन से कि भाई इस 150% में दोबारा से थोड़ा सर्वे करेंगे सब लोगों का नुकसान वगैरह अवॉइड करके जो भी होगा। तो सर कितनी पॉसिबिलिटी है कि रोड का जो पब्लिक का इशू है वो सॉल्व हो? इसमें एक चीज़ है, अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी और पब्लिक इंटरफेयर नहीं करेगी, हम 100% मकानों को बचा के रोड को निकाल देंगे, कब्रिस्तान को भी बचा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आगे कहा जा रहा है कि जहाँ के लिए रोड जा रही है कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें आ रही है, कई लोगों की मलकित जमीन आ रही है, तो क्या उन लोगों से कोई लिखित में लिया हुआ
हुआ डिपार्टमेंट ने उसके बाद सर्वे किया। जब लोगों ने रोड के लिए डिमांड की, इन्होंने एफिडेविट्स दिए हैं, इन्होंने श्योर किया है कि जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब जब हम रोड पे काम कर रहे हैं तो जगह जगह लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारी मिल्कियत है, इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि मिल्कियत है कि स्टेटमेंट है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इशू है। एज पर एफिडेविट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उसमें, वो हम जब हमें जब जरूरत पड़ेगी हम डिमार्केशन भी करा लेंगे, कोई मसला नहीं।